हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्रिएशन। आलू तो हम रोज खाते हैं, किसी न किसी चीज में खाते ही रहते हैं। आज मैं आलू से थोड़ा कुछ डिफरेंट स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने ये दो बड़े आलू लिए हैं और इनको छिलका इनका उतार दिया है। एक बार पानी से मैंने वाश कर दिया। इसके हमें इस तरह से पीस करने हैं, ना ज्यादा मोटे करने हैं ना ज्यादा पतले करने, इस तरह की हमें थिकनेस रखनी है। इसी शेप में हम पूरा कट करेंगे। ये हमने इस तरह से पूरे ये सब पीस करके, बड़े बड़े पीस करके कट कर दिए हैं। इसमें हम एक चम्मच जितना सॉल्ट डालेंगे, पानी डाल देते हैं इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इसी पानी में हमें 10 मिनट के लिए हमें इसमें रख देना है। आलू हमारे जब तक पानी में डिप हो रहे हैं, तब तक आइए हम इसकी एक बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने दिए 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है, ग्राम फ्लोर जिसे कहते हैं, और ये 2 चम्मच राइस पाउडर। और इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच सूजी। ये सूजी डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, तो इसलिए मैं इसमें डाला है। और 1 चम्मच सॉल्ट, सॉल्ट आप टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। 1 बड़ी चम्मच रेड चिली पाउडर, और इसमें मैं डालूंगी 1 पिंच जितनी सोडा, बेकिंग सोडा। और ये कुछ मैंने धनिया पत्ती कट करके रखी, ये भी इसमें डालेंगे। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, ज्यादा पतला हमें बैटर नहीं बनाना है, थोड़ा थिक ही बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डालते आएंगे और चलाते जाएंगे। ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये इस तरह का लिक्विड होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं है, ज़्यादा पतला भी नहीं है। इसको एक साइड पे रखेंगे। हमारे आलू को रखे हुए भी 15 मिनट हो गए, अब उसका पानी भी आलू का निकाल देते हैं। हमने आलूओं को भी पानी से निकाल दिया है। एक छलनी ली है, उसके ऊपर ये सारे आलू निकाल दिए। इसका पूरा पानी हमें ड्रेन करना है, बिल्कुल ड्राई करने हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है बड़ी, आप इसी तरह से कोई भी बड़ा फ्राई पैन भी ले सकते हो। गैस को हमें अभी ओपन नहीं करना है। इसमें हम 2 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे। इस ऑयल को पूरा अच्छे से ग्रीस करना है चारों तरफ से। ये जो हमने आलू कट किया था बिल्कुल हमने ड्राई कर दिए हैं। अभी ये आलू हैं, इसको हमें इसके अंदर सेट करना है। ये आलू इस तरह से रखेंगे, ये बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर एक दूसरे के साथ चिपकाने हैं। और इसकी थोड़ा सा, ये राउंड शेप है ना, तो इसका थोड़ा सा कॉर्नर साइड छोड़ना है हमें, इसलिए कि हम उसका बैटर डालेंगे तो ईजी से निकल आए। ये इस तरह से हम पूरे सेट करने हैं। ये इस तरह से हमने पूरी आलू की लेयर बिछा दी है। अब हम गैस को हल्की आंच पे खोल देंगे। गैस को बिल्कुल हमें हल्की आंच ही रखनी है। और इसके ऊपर हम छिड़केंगे चीज़। ये चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। इसमें हल्की हल्की चीज़ हमें इसमें डालनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक्स बनेंगे, आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। अब ये जो हमने जो बैटर बनाया है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर पूरा डालना है, पूरा साइड से लेकर पूरा हमें कवर करना है। अब इसमें हम डालेंगे ये ओरेगानो हर्ब्स हैं, थोड़े से इसके ऊपर डाल देंगे, छिड़क देंगे थोड़े से, और उसके साथ थोड़े से चिली फ्लेक्स। अगर ये चिली फ्लेक्स और ओरेगानो आपके पास नहीं है तो इसमें आप काली मिर्च का पाउडर भी छिड़क सकते हो। ये बहुत ही पिज्जा की तरह टेस्ट भी इसमें आएगा। अब हम इसको कवर कर देंगे। गैस की आंच को बिल्कुल हल्का कर दिया है और इसका ये पूरा ऊपर से जब तक ड्राई हो जाएगा तब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। हमारे ये 20 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखेगा। अब एक बार हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं। वाओ, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये बिल्कुल, अब ये बिल्कुल पूरा सब हार्ड हो चुका है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा 1 चम्मच जितना ऑयल डालेंगे चारों तरफ से, ताकि हम इसका दूसरा साइड भी इसका हमें कुक करना है। बिल्कुल हल्का हल्का थोड़ा सा ऑयल डालेंगे।
और इसको इजी, ये इसका इजी तरीका है, एक बड़ी सी कोई प्लेट लेकर और इसके ऊपर इस तरह से रख के और इसको उल्टा करेंगे तो ये आराम से बिल्कुल हमारी जो आलू की तह है पूरी अच्छे से निकल आए। ये हमने एक बड़ी प्लेट लेकर निकाला है, देखो कितना अच्छा निकल गया है पूरा, ये आलू की शेप देखो कितना फ्लावर जैसा अच्छा लग रहा है। और अभी इसकी हम दूसरी साइड नीचे वाली कुक करेंगे, इसको इसी तरह उसी में रखेंगे और इसको अभी कवर नहीं करना है। ये हमने कढ़ाई में वापस इसको उल्टा करके रखा है और देखो इसकी कितनी अच्छी शेप हो गई है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ है ये मैंने लिए, इसके ऊपर थोड़ी सी छिड़क देंगे और इसके साथ डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स ताकि अच्छा सा खूबसूरती लगे। और इसके साथ डालेंगे ओरिगानो हर्ब्स थोड़े से डालेंगे और इसको अभी हम कवर नहीं करेंगे, ऐसे ही ओपन इसको कुक करना है। बस थोड़ी देर 5 मिनट के बाद हम इसका गैस बंद कर देंगे। इसकी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम गैस को बंद करते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब इसको आइए सर्व करते हैं। ये हमारा डिलीशियस नाश्ता रेडी हो चुका है, हमने आलू से बनाया, मैंने इसको आलू फ्लावर का नाम दिया है। और इसको इस तरह से पीस में कट करके मायोनीज़ और केचप लगाकर भी खा सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको खाने में, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।